हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप ये आजकल की एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसे वक्त रहते अगर कंट्रोल ना किया जाए तो यह बहुत सारी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ वर्षा चावला, आई एम ए योगा स्टूडेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप। आज की इस तनावपूर्ण भरी जिंदगी में, इस भागती दौड़ती जिंदगी में, स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा डीपली फील कर लेते हैं, चीज़ों को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लो बीपी और हाई बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप वक्त रहते हाई बीपी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह हार्ट अटैक का कॉज भी बन सकता है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी खराब होना शुरू हो जाता है और आप अगर दिमाग से सोचे हाई बीपी होने की वजह से आप स्टिल नहीं रह पाते हैं। हर वक्त आपको एक अजीब सी घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी कम होती चली जाती है क्योंकि आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रेमेडी और 3 आसन बताने जा रही हूँ जिनको आप अगर अपनी डेली लाइफ में ईमानदारी के साथ रेगुलर लाते हैं, रेगुलर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप हाई बीपी को कंट्रोल तो क्या खत्म भी कर देंगे एक दिन। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे योगा आसन है, बहुत सारी मुद्राएं हैं, बट मैं आपको बहुत ही इजी वे बता रही हूँ। पहले आप इनको स्टार्ट करिए, जब आपको इनकी आदत हो जाएगी तो फिर मैं आपको हाई बीपी के लिए और भी योगासन बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रेमेडी की। रेमेडी में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लहसुन यूज करना है। लहसुन को कैसे यूज करना है फ्रेंड्स? एक तो आप अगर लहसुन की कली को छील कर ऐसे ही स्वेलो कर सकते हो तो आप सुबह खाली पेट 3 लहसुन की फाक को, नहीं तो कम से कम 2 तो जरूर होनी चाहिए, गुनगुने पानी के साथ स्वेलो करो। इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप रात को 5 से 6 कली लहसुन की बारीक बारीक काट कर 1 ग्लास पानी में, 1/4 ग्लास पानी में डिप करके रख दीजिए और सुबह खाली पेट छान के आपने उस पानी को पीना है। 2 से 3 दिन में आपको फील होने लगेगा कि यस, आपका बीपी अब कंट्रोल है। और अब बात करते हैं हम आसन और मुद्रा की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक आसन, सुखासन। सुखासन में तो हम लोग हर वक्त रहते ही हैं, बेड पे बैठे हैं या आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो, आप मतलब अपनी रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैक बोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बैक बोन का हमारे लोअर हाई बीपी में बहुत डीप इफेक्ट होता है, तो आपकी बैक बोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप चाहे कुर्सी पे बैठ के इस आसन को करें, चाहे ऐसे बैठ के आप इस आसन को करें, लेकिन आपकी बैक बोन सीधी होनी चाहिए। बैक बोन सीधी होने के बाद आपने मुद्रा लगानी है। कौन सी मुद्रा लगानी है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा देखिए, दिस इज ज्ञान मुद्रा। आप ऐसे भी कुछ लोग करते हैं और ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, इसको ऐसे। जितनी देर आपने ज्ञान मुद्रा में रहना है आपकी ये उंगलियां सीधी रहनी चाहिए फ्रेंड। ज्ञान मुद्रा में बैठना है, आईज को क्लोज करना है और सिर्फ अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है। ब्रीथ को कम नहीं करना, ज्यादा नहीं करना कि जोर जोर से सांस लेना शुरू कर दो, नहीं। जैसी भी आपको ब्रीथ आ रही है, सांस आ रही है, आपने सिर्फ नोज के आसपास फील करना है कि सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। कम से कम 10 मिनट इस मुद्रा को करने के बाद आपको खुद को बहुत रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। आप आधा घंटा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जो लोग ज्यादा देर इस मुद्रा में नहीं बैठ सकते, वो सेकेंड आसन है आप शवासन। आप शवासन में लेट के भी इस मुद्रा को लगाएं, बट बैक बोन सीधी होनी चाहिए। शवासन में लेट जाएं और आधा घंटा इस मुद्रा में रहें और आईज क्लोज, और आपको नींद आनी शुरू होगी लेकिन आपको सोना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नींद आएगी लेकिन आपको सोना नहीं है, सोने से बचना है। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, जितना आप इसको कर सको, आपको उतनी जल्दी हाई बीपी में कंट्रोल फील होगा। उसके बाद जब आपको उठना है, खत्म करना है इस आसन को, आपने एकदम से आईज क्लोज नहीं करनी है कभी भी। अगर आप ध्यान में भी बैठते हैं तो कभी भी एकदम से आईज क्लोज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने हाथों को रब करके अपनी आईज पे रखना है कुछ सेकंड के लिए, और फिर धीरे धीरे अंदर ही आईज खोल के फिर आपने अपनी आंखों को ओपन करना है। और अगर आप शवासन में लेट के करते हैं तो साइड करवट लेके उठिए। ये नहीं कि शवासन में लेटे और एकदम उठ के बैठ जाए, नो। आप हमेशा जब भी आप शवासन या लेट के कुछ भी कोई भी आसन करते हैं तो हमेशा करवट लेके पहले बैठिए और फिर खड़े होइए। और तीसरा आसन है फ्रेंड्स बालासन।
ये दिमाग को बहुत 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 ज्यादा रिलैक्स करता है। जिन लोगों को रात को नींद ना आ रही हो ना, वो भी 5 मिनट अगर इस आसन को कर लेंगे तो उनका मन शांत होगा, उनका दिमाग शांत होगा और उनको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि बालासन कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं बालासन कैसे करना है। आपने ऐसे बैठ जाना है, रात को सोने से पहले भी आप इसको बेड पे कर सकते हो आराम से, और कुछ नहीं, बस आपने इस तरह से, ये होता है हमारा बालासन। आपका हेड नीचे टच होना चाहिए। इसको आप स्थिति में जितनी देर रह सकते हैं, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, इससे आपका हाई बीपी भी कंट्रोल होगा और आपको बहुत 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 सारा रिलैक्स फील होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखा आपने बालासन कितना इजी है और आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। तो अब आप बस इसको अपने रूटीन लाइफ में लाइए, अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करिए, दवाइयों को छोड़िए, क्योंकि हमें दवाइयों को छोड़ के वापस से योगा को अपनाना है, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हाई बीपी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी थोड़ी सी अच्छी नॉलेज मिले। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।